आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। त्रिपुरा और मणिपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी, 22 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। करनाल जेल की आरजे को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार, तिनका तिनका जीने का नया हौसला देती है सोनिया की कहानी। झामुमो के केंद्रीय समिति सदस्यों की सूची जारी, झारखंड, बिहार, ओडिशा और बंगाल से भी प्रतिनिधि। वैष्णो देवी यात्रा में अब केवल ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे श्रद्धालु, भगदड़ के बाद बोर्ड का बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर के सांबा जिला पुलिस ने गश्त के दौरान पुलिस ने सेना के फर्जी अधिकारी को किया गिरफ्तार। मेरठ में पीएम नरेंद्र मोदी बोले, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचारियों का खेल खत्म, अब खेल रहे सच्चे खिलाड़ी। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, आज से सिर्फ वर्चुअल सुनवाई, गाइडलाइंस जारी। निर्वाचन आयोग 5 के बाद कभी भी कर सकता है तारीखों का ऐलान, कोरोना को लेकर लागू हो सकते हैं नए नियम। विकासशील इंसान पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लोचन राम निषाद ने निषादों की स्थिति पर जताई चिंता। सीएम योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी यदि चाहेगी तो वो भी चुनाव लड़ेंगे। अमेरिका में कहर बरपा रहा कोरोना वायरस, रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी हुए कोरोना पॉजिटिव। सूडान में जारी राजनीतिक गतिरोध के बीच प्रधानमंत्री अब्दुल हमदोक ने दिया इस्तीफा। अमेरिका में कोरोना का कहर, 24 घंटे में रद्द हुई 2000 फ्लाइट। अमेरिका और चीन में बढ़ेगा टकराव, बाइडेन प्रशासन के तिब्बत कार्ड में उलझा ड्रैगन। जमात इस्लामी ने इमरान खान से मांगा इस्तीफा, कहा 2022 सत्ताधारी सरकार के लिए होगा अंतिम वर्ष। डीन एलिंगर ने दी भारत को चेतावनी, बोले डिकॉक के संन्यास का कोई असर नहीं। भारत को हुआ था WTC पॉइंट्स में नुकसान, राहुल द्रविड़ बोले अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहा कि इस मामले में टीम को बेहतर करने की जरूरत है।
नॉर्किया भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर, मार्को जेंसन को पहली बार मिला मौका। सुनील गावस्कर ने बताया, जो खिलाड़ी टेस्ट में करता है अच्छा काम, बनाता है बड़े स्कोर। बेस्ट टेस्ट टीम में पाकिस्तानी क्रिकेटर ने चार भारतीयों को दी जगह, लेकिन कोहली और बुमराह को किया आउट। अंकिता लोखंडे नए साल पर बनी डीजे दुल्हन, पति विक्की जैन के साथ रोमांटिक डांस करती आई नजर। किया स्वागत, पत्नी अंकिता कोमवर के साथ लगाई 110 किलोमीटर की लंबी दौड़। जॉन अब्राहिम और उनकी पत्नी प्रिया रुंचाल हुए कोरोना संक्रमित, एक्टर बोले हम दोनों वैक्सीनेटेड हैं। शाहरुख खान के इजिप्शियन फैन ने की भारतीय प्रोफेसर की हेल्प, बोला एसआरके के लिए कुछ भी करूंगा। जानवी कपूर और आलिया भट्ट ने की कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो करने की अपील। मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।